स्वागत है गाइज आपका एक और नई वीडियो में। और गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम रेमी स्टीडियो का फेस रिवील करने वाले हैं। गाइज हमेशा से वो मास्क में रेसल करते आए हैं WWE के अंदर। गाइज उनको आपने कभी भी बिना मास्क के नहीं देखा होगा रेसल करते हुए। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फेस दिखाने वाले हैं बिना मास्क के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे गाइज पावर स्लैम टीवी। यार जो भी नया बंदा आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमारा चैनल 1K हिट करने वाला है। बस कुछ ही दिन में मोनेटाइज भी हो जाएगा, फिर और ज्यादा मजा आएगा वीडियो डालने में। गाइज सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज पिछले हफ्ते गाइज उनको ट्रिक विलियंस ने हरा दिया था NXT चैंपियनशिप के लिए और वो बन गए थे न्यू NXT चैंपियन। गाइज इस हफ्ते डोमिनिक मिस्टीरियो ने गाइज उनको हरा दिया NXT टाइटल के लिए और गाइज डोमिनिक मिस्टीरियो बन चुके हैं 2-time NXT चैंपियन। यार दो बार NXT चैंपियन बन चुके डोमिनिक मिस्टीरियो, अच्छा खासा बिल्ड कर रही है WWE उनको। इसके बाद गाइज जे उसो के बारे में बात करते हैं और गाइज जे उसो रिटर्न करने वाले हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर। यानी कि गाइज कल स्मैकडाउन का जो एपिसोड आएगा वहां पर आपको जे उसो का रिटर्न देखने को मिलेगा। और गाइज उनका पहला रिटर्न है स्मैकडाउन के शो के ऊपर जब से उन्होंने अपनी फैमिली को लीव किया है। तो देखते हैं यार कल के दिन क्या करती है जे उसो, रोमन रेंस को मारते हैं या फिर सोलो सिकोवा को मारते हैं या फिर जिमी उसो को मारते हैं। तो यार कल का स्मैकडाउन का एपिसोड तो देखना बनता ही है। इसके बाद गाइज रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं। गाइज रोमन रेंस अ फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन जिन्होंने सक्सेसफुली अपने टाइटल डिफेंड करी है गोल्डबर्ग के सामने। पर गाइज जो गोल्डबर्ग है यार उनके सामने सबसे पहले केविन ओवेंस ने अपनी टाइटल डिफेंड करी थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप फास्ट लेन के अंदर 2017 में। और गाइज गोल्डबर्ग ने यार तहस नहस कर दिया था केविन ओवेंस को, मतलब दो स्पीयर और एक जैक हैमर में काम खत्म कर दिया था केविन ओवेंस का। मतलब यार जैसे गोल्डबर्ग ने ब्रोक लेसनर को हराया था ना 90 सेकंड्स में, वैसे उन्होंने केविन ओवेंस का हाल कर दिया था फास्ट लेन के अंदर। और गाइज फिर उनका मैच हुआ था फिंड के साथ सुपर शोडाउन के अंदर, वहां पर भी गाइज अच्छा खासा मैच चला था। पर यार फिंड को भी गोल्डबर्ग ने तहस नहस कर दिया था स्पीयर मार मार कर और फिर जैक हैमर लगाकर वो गए थे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और फिर गाइस रोमन रेंस के साथ जो मैच हुआ यार, रोमन रेंस ने अपना गिलिटन चौक लगा दिया और वहां से गोल्डबर्ग छूट ही नहीं पाया यार, वहीं पास आउट कर दिया रोमन रेंस ने गोल्डबर्ग को। यार बहुत ही मस्त करेक्टर है यार रोमन रेंस का, उन्होंने गोल्डबर्ग तक को हरा दिया। इसके बाद गाइस कर्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। गाइस कर्ट एंगल ने यह बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास है जो शील्ड का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सुपरस्टार है वो है गाइस रोमन रेंस। और ये गाइस आज हमको दिख ही रहा है कि रोमन रेंस कितने ज्यादा सक्सेसफुल सुपरस्टार है पूरी WWE की हिस्ट्री के अंदर। और गाइस शील्ड की तो यार क्या बात करें, हम शील्ड में तो सबसे ज्यादा रोमन रेंस ही सक्सेस हुए हैं। अब करते हैं गाइज रेमी स्टीडियो का फेस रिवील जिसके लिए आपने पूरी वीडियो देखी है। गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी फ्यूड स्टार्ट हुई थी 2018 के अंदर। गाइज ये बहुत ही खतरनाक फ्यूड चली थी, रैंडी ऑर्टन ने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था रेमी स्टीडियो को। और गाइज उनका मास्क भी फाड़ दिया था बिल्कुल ही, मतलब जो बजाया था ना यार रेमी स्टीडियो को मास्क फाड़ के फिर स्टील चेयर गले में डाल के और फिर RKO भी मारा। और गाइज जो मास्क पकड़ के उन्होंने खड़ा करा था, आप ये फोटो देख सकते हो, यहाँ पर भी हल्का हल्का उनका फेस दिख रहा है। गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ उनका रियल फेस, आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हो, पुरानी फोटो है। यहाँ पर रेमी स्टीडियो ने चैंपियनशिप को होल्ड किया हुआ है और उनका फेस भी गाइज आप क्लियर ही देख सकते हो बिना मास्क के अंदर। और गाइज उसके बाद मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, रेमी स्टीडियो अपने वाइफ के साथ कहीं स्विमिंग पूल में गए हुए हैं। ये बिल्कुल ही गाइज लेटेस्ट पिक्चर है, मतलब 1-2 साल ही हुए हैं इस पिक्चर को। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो रेमी स्टीडियो का फेस कितना क्लियर आ रहा है, मतलब बिना मास्क के आप देख सकते हो ऐसे दिखते हैं हमारे रेमी स्टीडियो, जिनको आपने हमेशा पर्दे में देखा होगा या फिर मास्क के अंदर देखा होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाना यार। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।